हेलो पेरेंट्स, अभी आप मुझे जानने लग गए होंगे। मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेदा एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। काफ़ी प्रेग्नेंट मदर का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं क्या खाऊं कि जिसकी वजह से मेरे बच्चे को हेल्पफुल रहे। साइंटिस्ट बारकोर ने एक रिसर्च निकाला और मेजॉरिटी मेडिकल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये सेंटेंस निकाला है कि फीटल ओरिजिनेट एंड एडल्ट डिजीज। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे उसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओबेसिटी, ऐसे बहुत सारे उसमें इंक्लूड हुए हैं, वो सब मेटाबॉलिक जो डिजीज है उसका जो ओरिजिन है वो वुम्ब में हो जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि अगर डायबिटीज है तो वो किस तरह से होता है। पेनक्रियाज जो है उसके बीटा सेल्स इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। जब वो कम काम करने लगते हैं तो इंसुलिन कम बनता है, उसकी वजह से डायबिटीज होता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन वाले, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वाले फूड नहीं लेगी तो उसके बीटा सेल कम बनेंगे और हो सकता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो डायबिटीज बच्चे को कर सकता है। यानी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। शुरुआत में मदर अवॉइड करती है कि 3 महीना अच्छा नहीं लगता है, मुझे उल्टी होती है, नोजिया, वॉमिटिंग वाली कॉमन प्रॉब्लम्स उनको होती है, तो वो फूड नहीं लेती है। लेकिन वो 3 महीना बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए बहुत सही होते हैं और उसके लिए न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी होता है। अगर आपको मिल्क से उल्टी होती है तो आप उसके ऑप्शन लीजिए, यानी और मिल्क प्रोडक्ट्स ले लीजिए कि जिससे आपको प्रोटीन मिल जाए। अगर आपको उल्टी होती है तो आप उसके बाद वापस फूड ले लीजिए, यानी दो आवर्स के इंटरवल पे अगर आप वापस फूड ले लेगी तो आपका पित्त का शमन हो जाएगा और आपको उल्टी नहीं होगी और बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आयुर्वेद क्या कहता है, एज आयुर्वेद एक्सपर्ट मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। आयुर्वेद में एवरी मंथ वाइज डाइट लिखा हुआ है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि अगर 4th मंथ में हार्ट का डेवलपमेंट होता है, हार्ट बीट आना 1.5 महीने पे आ जाता है, लेकिन प्रॉपर हार्ट का डेवलपमेंट 4th मंथ पे कंप्लीट होता है। यानी मदर को 2 हृदया बोलते हैं। बच्चा अपनी जो विश हो वो अपनी मदर थ्रू कहलाता है। तो 4th मंथ में हार्ट के डेवलपमेंट के लिए टेंगी फ्रूट यानी विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है, तो डाइट में वो इंक्लूड कर लीजिए। 5th मंथ पे माइंड का डेवलपमेंट यानी मन बनता है, तो जो ऑनियन, गार्लिक वाले फूड है वो अवॉइड कीजिए, यानी बच्चे में तामसिक वृत्ति नहीं आए। 6th महीने बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, तो उस हिसाब से अगर आप डाइट लोगे तो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यानी आप फ्लैक्सीड, बादाम, अखरोट, ये सब चीज़ें 6th महीने पे खाओगे तो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी के अच्छे लिए अच्छा रहेगा। तो मंथ वाइज डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रकृति वाइज डाइट लेना ज़रूरी है। सात्मियज भाव मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया था, यानी मदर को जिस चीज़ की और सात्मियता हो उस चीज़ की और बच्चे की सात्मियता बढ़ जाना। अगर आप चाइनीज़ पंजाबी खाते रहोगे तो बच्चा वही खाएगा, उसको वही टेस्ट अच्छा लगेगा। अगर आप दूध नहीं पियोगे तो बच्चा बाहर आने के बाद दूध नहीं पिएगा। तो वो प्रकृति के हिसाब से लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन 5 चिली खा सकते वो दूसरा पर्सन नहीं खा सकता, वो उसकी प्रकृति है। तो अकॉर्डिंग प्रकृति डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी प्रकृति चेक करने के बाद उसका पूरा दिन का स्केड्यूल सेट करते हैं। हम आहार में, जैसे हमारा डाइट होता है, उसमें 6 रस लेना बहुत ज़रूरी है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस सेम प्रोपोर्शन में लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक ही चीज़ का ज़्यादा उपयोग करोगे तो वो बच्चे में डिफॉर्मिटी करेगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे आप मधुर रस
स्वीट चीज़ का ज़्यादा उपयोग करोगे तो बच्चे में ओबेसिटी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अगर आप अम्ला रस यानी खट्टी चीज़ ज़्यादा लोगे तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर होने के चांसेस, ग्रेइंग ऑफ हेयर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मेरे एक पेशेंट का इंसिडेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो मेरे सूरत की ओपीडी में वो पेशेंट मेरे पास आई थी, उसकी लड़की 3.5 साल की लड़की के 25% हेयर वाइट थे। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तब मालूम हुआ कि जब मदर प्रेग्नेंट थी तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो थ्रू आउट 9 मंथ्स वो खट्टी चीज़ें ही खाती रहती थी। तो वो उसकी बच्चे में उसकी प्रकृति बन गई, यानी बच्ची 3.5 साल की बच्ची में उसके ग्रेइंग ऑफ हेयर होना शुरू हो गए। अगर आप नमकीन वाली चीज़ ज़्यादा खाओगे तो हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम्स होगी। कटु यानी तीखा, अगर आप तीखी चीज़ ज़्यादा खाओगे तो बच्चे में इनफर्टिलिटी आ सकती है। अगर आप तीखा चीज़ ज़्यादा खाओगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे में शुक्राणु कम बने या नहीं भी बने। जब बच्चा बड़ा होगा तब वो उसमें डिफॉर्मिटी क्रिएट करेगा। तीखा, उसके बाद अगर कड़वा, अगर आप कड़वा रस ज़्यादा लोगे तो लो इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स होंगे, ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होंगे। और लास्ट में कषाय यानी तूरा, वो रस का आप ज़्यादा इंटेक करोगे तो बच्चे में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। आयुर्वेद में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हमें उसको फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छे से होता है। इसी तरह हर पेशेंट के अलग अलग डाइट स्केड्यूल होते हैं। डाइट की बच्चे पे बहुत अच्छी इफेक्ट होती है। ट्राइमेस्टर वाइज, मंथ वाइज डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे वर्कशॉप और सेमिनार में हम प्रकृति परीक्षण करवाने के बाद ही डाइट स्केड्यूल देते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरी YouTube चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। इसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। बी हैप्पी पेरेंट्स।